अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रुकमान विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत मज़े की स्वीडिश बनाना सिखा रही हूँ। इस स्वीडिश बनाने के लिए हमें ज़्यादा फ्रूट्स नहीं चाहिए, जैसे हम एक फ्रूट के साथ ही बहुत मज़े की डिश रेडी करेंगे। मैंने ग्रेप्स को ठंडे पानी में डिप कर दिया। वन बाय वन इन ग्रेप्स को हम तोड़ लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रेप्स रेडी हो गए हैं। अब हमें नाइफ़ की मदद से कुछ ग्रेप्स को दरमियान से कट कर लेना है। इस तरह से आप ग्रेप्स को दरमियान से कट करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेप्स की मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पे मुझे चाहिए एक सिंपल बाउल जिसमें हम क्रीम को ऐड करेंगे। क्रीम आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेस्ले की क्रीम यूज़ की है, लेकिन जब हम क्रीम चाट बनाते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टिप ये है कि आपको क्रीम को पहले अच्छे से फ्रीज़ करना है। ये मैंने ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दी थी और ये काफ़ी अच्छे से फ्रीज़ हो गई है। इस क्रीम में मुझे ऐड करना है 1 टेबल स्पून शुगर और 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला। बस इतनी सी चीज़ें ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हम क्रीम को फ्रीज़ नहीं करेंगे और फ्रीज़ किए बगैर मिक्स करेंगे ना, तो वो एक अच्छा टेक्सचर देने की बजाय मिल्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से बड़ा स्मूथ टेक्सचर बनेगा। फ्रूट चाट बनाते हुए या क्रीम चाट बनाते हुए अक्सर हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें ज़्यादा क्वान्टिटी में फ्रूट्स ऐड करने हैं, मतलब ज़्यादा फ्लेवर्स ऐड करने हैं, तो वो मोस्टली सबके लिए पॉकेट बचर नहीं रहता। लेकिन ये जो रेसिपी है, आप जस्ट आजकल ग्रेप का सीज़न है, आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत ज़बरदस्त बनती है। थोड़ा सा और बीट करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा टेक्सचर रेडी हो गया। अब सिंपली इसमें हमें ये ग्रेप्स ऐड कर देने हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत मज़े की और पॉकेट बजट रेसिपी है ये। देखिए बस, इसको आप टेस्ट कीजिए। अगर थोड़ा सा शुगर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी सर्विंग करना सिखाऊंगी। इसे रेडी करने के बाद आप फ्रीज़र में रखेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। और इसमें हम ऐड कर देंगे गोल्डन रिजन्स किशमिश ऐड करेंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी रेडी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।